पहली बार क्लास में आए हैं, बाबा से मिले हैं, भक्ति करने के बाद या भक्ति करने से पहले भी मिल गए हैं, और हाथ उठाना कितना वहाँ भक्ति में छोटी-छोटी कन्याएं हैं, जैसे जैसे बाबा ने बताया है वैसे वैसे एडवांस कोर्स देने का प्रयास करती है। मूल बात तो बात मुरली में ही आती है। मुरली के महावाक्यों का सार एडवांस कोर्स में सुनाया जाता है। कोई कोई ट्रेनिंग करने वाली भी कन्याएं हैं, अभी अभी आई हैं, अभी अभी उनको पार्टी में समझाने के लिए बैठा दिया जाता है। कोई कोई बातें समझ में नहीं आती होंगी, उन बातों को आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो पुराने हैं सर्विस फील्ड में जाते हैं, बहुत सी नई नई बातें आते हैं, नए नए प्रश्न आते हैं, उनका समाधान नहीं दे पाते हैं या देते हैं तो अंदर से संतुष्टि नहीं होती है, तो वेरीफाई कर लेना चाहिए। हाँ जी, एक बात तो नीचे है कि भगवान इस धरती पर आकर अपना पाठ जो है वो बुझा रहे हैं। अब जबकि ज्ञान का भी इतना सोझरा हो गया है, उजाला हो गया है, लेकिन ये जो तथा कथित बीके वाले हैं इनकी बुद्धि का ताला कब खुले? बताया, ये सत्य रूपी वृक्ष है। वृक्ष में पहले पत्ते हैं या पहले जड़ें हैं या पहले बीज है? पहले सुधार किसका होगा? पत्तों का पहले सुधार होगा, टहनियों का होगा, तने का होगा, जड़ों का होगा, या पहले बीज का सुधार होगा? पहले बीज का सुधार होगा। अच्छा, बीज का सुधार होगा। हाँ, तो बीज एडवांस पार्टी में और जड़े बीके में। जड़े बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती हैं और बीज दिखाई नहीं पड़ता। बीज छोटा होता है, दूसरे जब वृक्ष तैयार होता है या पौधा तैयार होता है तो वो बीज अपने को मिक्स कर देता है। गाते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कुछ मिट्टी में मिल जाता है, कुछ पौधे में चला जाता है। वो बीज तब तैयार होता है जब वृक्ष पूरा हो जाता है, फूल, फूल से फल, और फल पकने के बाद बीज फल के अंदर डिटैच हो जाता है। फल से भी डिटैच हो जाता है, वृक्ष से भी डिटैच हो जाता है। तो क्या ये स्टेज अभी आई है बीज की?
बीजों की ये स्टेज जब तक नहीं आई है तब तक जड़ों के ऊपर उंगली उठाना, तने के ऊपर उंगली उठाना, टहनियों के ऊपर उंगली उठाना, पत्तों के ऊपर उंगली उठाना, फलों के ऊपर उंगली उठाना बेकार है। अभी आप आ गए एडवांस पार्टी में, अभी आप जड़ आपने अपने को समझते हैं या दुनिया का बीज समझते हैं? अगर बीज है तो जड़ें आपके बच्चे हैं, रचना है या आपके रचयिता है? रचना है। तो रचना जैसी भी है, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। तो सारा मनुष्य सत्य रूपी जो वृक्ष है वो है तो बीज बाप का ही। आएंगे वो भी कहां जाएंगे? पहले वो आएंगे, बाद में दुनिया वाले आएंगे। पहले सुधार किसका होगा? घर का सुधार। पहले घर का सुधार। अब चाहे वो घर के बच्चे माँ को फॉलो करने वाले हो, कन्या जाति किसको फॉलो करती है? माँ को फॉलो करती है। और चाहे वो बाप को फॉलो करने वाले बच्चे हो, कन्याओं को वर्षा नहीं मिलता है और बच्चों को, बच्चों को वर्षा मिलता है। तो एडवांस पार्टी में आए हुए जो भी बच्चे हैं वो बाप के बच्चे हैं कि बच्चियां हैं? बच्चे हैं। चाहे बुढ़िया है चाहे कन्या है तो भी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम बाप के वर्षा पाने वाले बच्चे हैं। और बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं? बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं? कोई कहते बड़े बच्चे हैं, कोई कहते छोटे बच्चे हैं। बड़े बच्चे वो हैं जो सूर्यवंशी हैं। क्या? जो सूर्य को ही अपना बाप समझते हैं, न चंद्रमा के प्रभाव में आते न चंद्रवंशियों के प्रभाव में आते। न इस्लाम के प्रभाव में आते न इस्लाम धर्मवंशियों के प्रभाव में आते, न क्राइस्ट और क्राइस्ट के बीज के प्रभाव में आते, न क्राइस्ट के आधारभूत के प्रभाव में आते, न क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वालों के प्रभाव में आते। तो किसके प्रभाव से सदैव प्रभावित है? एक सूर्य बाप के प्रभाव से प्रभावित है। कोई दूसरा उनको आकर के कन्वर्ट कर नहीं सकता। तो वो बड़े बच्चे हैं। बड़े बच्चों को बाप समान कहा जाता है। जो जैसे बाप खुदा न खास्ता शरीर छोड़ देता है और बाप के 10 बच्चे हैं 9 बच्चे हैं तो बड़े बच्चे का क्या फर्ज बनता है कि जो भी छोटे दूसरे बच्चे हैं, दूसरे भाई बहने हैं, उनको भी उसी तरह परवरिश करे, उसी दृष्टि से देखे जैसे अब तक बाप ने देखा था। इसलिए ये बुद्धि में बात आना कि ये बीचे वाले कब सुधरेंगे, ये जड़ें कब सुधरेंगी, तो उसका जवाब आ जाता है। कब सुधरेंगी? जब हम सुधरेंगे। जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। कहीं ना कहीं हमारे संगठन में, हमारी यूनिटी में कमी है। हमारी यूनिटी परिपक्व स्टेज को पहुंच जाएगी
कपड़े हैं, तो हमारी यूनिटी को कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी। हमारी प्योरिटी में कहीं कोई गड़बड़ है। मूल बात एक ही आ जाती है, घड़ी घड़ी अपन को देखना है क्या इस संसार रूपी वृक्ष से मैं बीज रूप आत्मा डिटैच हो गई हूँ। ये देह के संबंधी, ये देह के पदार्थ, ये देह के स्थान देखते हुए भी न देखने में आए, सुनते हुए भी न सुनने में आए, ऐसी स्टेज बन जाए। जो बच्चों के साथ मतलब बाबा रहते हैं, संग संग रहते हैं, तो फिर उनके ऊपर परिस्थितियां आती हैं, क्यों आती हैं? बाबा साथ रहते हैं तो मतलब आप बाबा किसे समझते हैं? जब आपने बाबा कहा तो आपका मूल इंटेंशन साकार के ऊपर रहता है या साकार में प्रवेश की हुई जो ज्योतिबिंदु सुप्रीम सोल है उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित है? आपका ध्यान किसके ऊपर केंद्रित है? जब आप कहते हैं कि बाबा जिनके साथ रहते हैं तो आपका ध्यान बाबा की आत्मा के ऊपर केंद्रित है या बाबा के शरीर के ऊपर केंद्रित है? अगर आत्मा के ऊपर तो आत्मा आपके साथ होगी, आपके साथ नहीं रह सकती है सदा। वो सुप्रीम सोल बाप को आप जितना याद करते हैं, साकार में निराकार को जितना याद करते हैं, वो आपके साथ नहीं रहता है, बंधा हुआ नहीं है आपके साथ रहने के लिए। आप फिर ऐसे क्यों कहते हैं? इसीलिए ना कि ध्यान कहाँ केंद्रित है। इसीलिए पकड़ती है कि हम जिसको अपने साथ रखना चाहते हैं वो हमारी खुद से कैसे रख रहा है? राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। राम और कृष्ण के अंदर जो सुप्रीम सोल है उसको वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी भूल गए। क्या याद रह गया? वो शरीरधारी याद रह गया, शरीर हमारे साथ है। अभी भी रंगमंच पर स्टेज पर जब सोल प्रवेश होती है तो चिपक के बैठते हैं हमारे साथ। अरे वो देहधारी तुम्हारे साथ होने से परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी क्या? बुद्धि में जिनके सदैव बैठा हुआ है कि एक शिव बाबा ही हमारा कल्याणकारी है और देह जिस देह में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो अंत तक किसी के साथ साकार में रहेगा क्या? है? नहीं रहेगा। फिर भी अपने पुरुषार्थ से अपने को अव्यक्त स्टेज में स्थिर करना पड़े। जो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे उनको अनुभव होगा कि बाबा सदैव हमारे साथ साकार में है। उसका चित्र भी दिखाया, सदैव साकार में साथ है, इसका कौन सा चित्र दिखाया? अपना चित्र ही भूल गए हैं? सदैव साकार में साथ है
उसका एक खास चित्र दिखाया हुआ है भक्तिमान में। लक्ष्मी नहीं है, नहीं वो तो दो का ही हुआ, रात लीला। कौन ने बोला? हाथ उठाओ। हाँ देखा, बढ़िया इंचार्ज टीचर मिली हुई है आप लोगों को। रात लीला, रात लीला में हाँ गोप गोपी के साथ कौन दिखाया गया? कृष्ण को दिखाया गया। उन्होंने तो कृष्ण को दिखा दिया, क्योंकि कृष्ण को भगवान समझते हैं। है कौन साथ में? शिव। शिव बाबा। सदैव साथ में अनुभव होगा, सोते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है, जागते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है, चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म करते समय क्या अनुभव होगा? बाबा हमारे साथ है। ऐसी ऑब्जेक्ट स्टेज बन जाए, फिर ये प्रश्न रहेगा कि बाबा जिनके साथ रहते हैं उनको काहे के लिए परेशानी आती है? दुनिया ही दुनिया ही बाबा, दुनिया तो दुखी देने वाली है। नहीं, दुनिया दुख देने वाली भले है, लेकिन हमारे साथ कौन है? बाबा हमारे साथ। हमारे साथ तो सुखदाता बाप हमारे साथ है ना। जब सदैव हमारे साथ है तो दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। अब बाबा भी कहते हैं यही बात, हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हेवन में होना चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े? इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ कि हेवनली गॉड फादर के बच्चे अभी रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बने नहीं है, देहवान में रहते हैं? शंकर को देवता बनाया था, और कभी कभी चित्रों में शंकर को दाढ़ी वाले खाते, लेकिन देवताओं को तो दाढ़ी नहीं थी। शंकर को देवता के रूप में दिखाया है वो है संपन्न स्टेज। क्या शंकर को यज्ञोपवीत भी दिखाते, उससे क्या साबित होता है कि ब्राह्मण है? तो ब्राह्मण जब संपन्न स्टेज में है, जिस ब्राह्मण के लिए बोला है जो पहला ब्राह्मण, तो पहला देवता, तो पहला क्षत्रिय, तो पहला वैश्य, तो पहला शूद्र। किस समय का लाइन है? संगम युग में ही वो पहला ब्राह्मण भी बनता है, वो संगम युग में पहला देवता भी बनता है, संगम युग में वो पहला वैश्य भी, फिर शूद्र भी। तो शंकर को तो बहुरूपिया दिखाया जाता है, कभी बूढ़ा दिखाई पड़ता है, कभी छोटे बच्चे के रूप में पट्टा पड़ा हुआ सोया हुआ दिखाई पड़ता है, कभी पिनाकी दिखाई पड़ता है, धनुष बाण हाथ में लेकर युद्ध करता हुआ दिखाया गया है, भांति भांति के चरित्र दिखाए गए हैं। जैसे हम बच्चों की अवस्था अनेक प्रकार की बनती है, वैसे मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसकी भी अवस्था अनेक प्रकार की बनती है। 63 जन्मों की रील अभी भी बच्चों के साथ बाप की घूम रही है। बाप अकेला नहीं जावेगा, सबको लेकर, सब बच्चों को साथ लेकर के जावेगा। इसलिए कभी बूढ़ा दिखाया है, जैसे ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया है, दाढ़ी मूंछ वाला विकारी दिखाया है, वैसे शंकर का भी रूप ऐसा काला काला भुजंग दाढ़ी वाला बना दिया है जैसे रावण। और
माता पूछ रही है कि जो माताएं ज्ञान में चलती हैं उनके जीवन में जब तक वो क्या कर रहे हैं, जो माताएं ज्ञान में चलती हैं उनके जीवन में जब तक वो क्या कर रहे हैं, वो क्या क्या कारण है, पूर्व जन्म त्रेसठ जन्म तो हुए हैं भक्ति मार्ग में, तो भक्ति मार्ग में जब युगल ने अच्छा काम किया होगा तो दाढ़ी मूछ बन करके उन माताओं ने दाढ़ी मूछ वाला बनी होगी कि नहीं, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया होगा तो हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे वो करें मैंने आपके आधे जन्म पुरुष चोले के नहीं होते होते हैं, तो जब आप दाढ़ी मूछ वाले आपने भी अत्याचार किए होंगे, एडवांस पार्टी में आने से मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु एडवांस पार्टी में आने से मृत्यु नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं कहा, ये कहा कि जिनके अंत तक भक्ति मार्ग के संस्कार छूटे हुए रहेंगे, क्या भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं पकड़ेंगे ज्ञान में पक्के रहेंगे उनका शरीर नहीं छूट सकता है, लेकिन जिनमें भक्ति का अंश रहेगा या कोई भी भक्ति मार्ग का संस्कार 100% पहुंच गया है तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। एक भाई एडवांस में आए थे, उनके घर में बेसिक वाले आके बोलते हैं तुम्हारा घर में सेंट्रल पार्टी वाले कैसे आए, तो इससे बोला मेरा घर में झंडा लगा हुआ था वो देख के आ गए, वो लोगों से मतलब जिसके घर में झंडा लगा उनके घर में जाते होंगे, वो जाके सेंटर में बताया वो इंटर सब का एनाउंस करते हैं कि हर घर में झंडा निकाल देना पार्टी वाले आ जाएंगे। बाबा कैंसर से क्यों डरते हैं, कैंसर से आप क्यों नहीं डरते, पहले इस बात का जवाब जाएगी, कैंसर से आप क्यों नहीं डरते और वो शंकर से इतना क्यों डरते हैं, इसलिए नहीं डरते कि हमको परिचय हो गया शंकर है क्यों, नहीं 63 जन्म आपने राम वाली आत्मा का कष्ट वाली आत्मा का साथ दिया है, इसलिए जो साथ रहने वाले हैं जन्म जन्मांतर के उनको डर क्यों लगेगा, ठीक है बाबा, और जो विरोधी बन गए वो डरेंगे, और विरोधी बन करके उन्होंने आक्रमण किए, विदेशी बन करके मुसलमान बन करके क्रिश्चियन बन करके आक्रमण किए तो वो तो दुश्मन बन गए ना, तो जो दुश्मन है वो तो पावर उनको सामने देख करके डरेगा ना, बाबा जो आदमी की तीन आत्माएं थी जब स्टार्ट हुआ है तो वो तो चलेंगी, हाँ आगे पीछे तीनों ही चलेंगी चलेंगे, तो उनके उस वक्त जो जन्म था वो 83 माह था या 84 माह था, तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं आकर के प्रवेश करता हूँ, तो था तो वो 84वां ही जन्म, क्योंकि तीनों की अवस्था उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए, सात साल उम्र होनी चाहिए, तीनों की उम्र थी 60 साल और अंतिम 84वें जन्म में प्रवेश तो किया, और तीनों ही एक प्रकार से ब्रह्मा का रूप है, जिनमें परमात्मा प्रवेश की तरह ब्रह्मा तो है, हाँ ब्रह्मा का रूप है, लेकिन ब्रह्मा की आयु कितनी आंकी गई है, 100 साल, और वो ब्रह्मा की आयु 100 साल मृत्युलोक में पूरी होती है या अमरलोक में पूरी होती है, मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु पूरी होती है,
तो जो आदि ब्रह्मा था वो 76 में 100 साल पूरे हो गए, और 100 साल उनके पूरे हुए तो उसका मृत्युलोक समाप्त हुआ उस आत्मा के लिए, उसका मृत्युलोक समाप्त हुआ या नहीं हुआ? समाप्त हो गया। कौन सा लोक शुरू हो गया? अमर लोक शुरू। माना वो आत्मा ऐसी पक्की निश्चय बुद्धि बन जाती है कि उसको कोई अनिश्चय पैदा कर ही नहीं सकता। वो उसका 84वां और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म शुरू हो गया। जैसे बाप के लिए वैसे सब सब बच्चों के लिए। माता जी पूछ रहे अभी नया गीता पाठशाला खोलने वाला है, तो गीता पाठशाला कैसे चलाना बोल बताए। जैसे मिनी वर्जन चलते हैं वैसे गीता पाठशाला चलो। मिनी वर्जन देख के तो आए नहीं? आए देख के आए। वो बड़ा रूप है, आप छोटा रूप बनो। लंबी चौड़ी इसके लिए पढ़ाई पढ़ने की क्या दरकार? आंखों से देख लिया है, इसे मुरली में भी बोला हुआ है। अपने गीता पाठशाला का ऐसा रूप बना करके दिखाओ जैसे मधुबन, मधुबन का नक्शा बनाकर दिखाओ गीता पाठशाला का। आगे चल के बहुत सी गीता पाठशाला है ऐसी ही दिखाई देंगी जैसे मिनी मधुबन। जो तीन से बना लेते हो वो ज्ञान में चलेगा? पूर्व जन्म में, हाँ पूर्व जन्म में बांधेली माताओं ने उनको बंधन में डाला होगा। अभी वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं, जब तक वो जब तक आपका हिसाब किताब पूरा नहीं हो तब तक नहीं है, लास्ट कल भी खत्म हो सकता है। और हो रहा है बहुत सी माताओं का, उनके युगल ज्ञान में चलने लग पड़ते हैं, उनके सहयोगी बन जाते हैं। हिम्मत करो हो जाए सर, है जो कुछ भी, जो कुछ भी है वो किया हुआ किसका है? हमारा ही किया हुआ है, तो हमको तो खुश होना चाहिए। बाबा जो सहयोग है उनसे भी चलेगा, जो सहयोग देते हैं चलते नहीं, है? नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। बाबा सुदेवों के बारे में कुछ बताए, सुदेवों के बारे में? सुदेवों के बारे में तो और कितने दो साल से आपका तो वाणी चल रही है, अभी बताने की जरूरत ही नहीं। ऐसा मतलब आप अगर तो वाणी सुनते ही नहीं? सब कुछ तो पता है, दो साल से जो भी अभी चल रही है वो अर्थदेवों के लिए ही चल रही है। अच्छा तीसरा किसके लिए बताइए बोलो, नंबर के लिए बताइए क्या नाम पकड़ के बताइए? एक तो बाबा ने पहले ही बता दिया, मैं यानी बाप दादा कोई का नंबर बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बता देंगे कि तुम्हारा ये पार्ट है। हर आत्मा अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपने चेहरे से, अपने पार्ट को अपनी वाणी से प्रत्यक्ष करेगी। इसमें बाप दादा को बताने की दरकार नहीं, पूछने की भी दरकार नहीं। पूछेंगे तो भी बाप दादा बताने वाले नहीं। हाँ जब बाप दादा ही नहीं बता रहे तो हम बच्चे क्यों बता देंगे? जो रियल विनाश आपने कहा ना, ये रियल विनाश होगा वो उसका देखा होगा वो तो यार, उससे पहले जो विनाश होगा तृतीय विश्वयुद्ध होगा वो रियल नहीं होगा। आपने कहा कि 7 दिन में पूरा विनाश है।
आखिरी विनाश होगा। हाँ तो वो तो यार आपके पहले वाले बाद में जो आखिरी विनाश होगा उसके बाद इस दुनिया में सिर्फ देवात्माएं ही देवात्माएं होगी या कोई असुर भी बचेंगे? तो क्या समझते हैं कि 2018 में असुर नहीं बचेंगे? बचेंगे। बाबा तो बोला हुआ है नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का बरसा देता हूँ। जैसे आज में भी एक सैंपल बनाया कराची में, जो सैंपल बना था 300-400 कन्याएं रही पड़ी थी और वो तो कराची तो पाकिस्तान की राजधानी थी उस समय, राजधानी थी ना, मुसलमानों की राजधानी बन चुकी थी और वहां कोई भी प्रकोप नहीं हुआ खून खराबे का, और सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून खराबा हो गया, रौ रौ नरक दिखाई पड़ रहा था, ट्रेनें की ट्रेनें काटी गईं और उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा हो गया ना टेंपल में, ऐसे ही अंत में भी होगा, सड़क का गेट भी खुलेगा और शांति धाम का भी गेट खुलेगा। स्वर्ग के गेट में सब साकार में सुख स्थान में ही होंगे, उनको कोई प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो शांति धाम का गेट खुलेगा उन्हें साकार से कुछ लेना देना नहीं, जैसे साकार शरीर होते हुए भी बुद्धि से अनुभव ही नहीं होगा, निराकारी स्टेज बनी हुई होगी। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, यही बन जाएगा जी। ये तो है बाबा बैठा है, अच्छा अभी आप जब दिखाई पड़ रहा है तब बाबा बैठा है, जब चला जाएगा तो नहीं बैठा है। तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कहते हैं बाबा बैठा है तो ठीक है, और 68-69 में बाबा नहीं बैठा है शरीर छोड़ के चला गया तो बाबा तो जब तक संगम युग है तब तक साथ ही है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ साथ नई दुनिया में जाएंगे, अपने घर जा रहे हैं। बाबा जैसे 1976 में एक तरफ तो बाप की प्रत्यक्षता हो रही थी, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की एमरजेंसी लगी हुई थी बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया में, और साथ ही जयप्रकाश नारायण का जो सत्याग्रह चला हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी? एक है हद की दुनिया और एक है देह की दुनिया, जो आपने बताया वो सब हद की दुनिया की बात थी। ऐसा ही 1976 में जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया थी उसका एजिटेशन भी गुजरात से शुरू हुआ था, गुजरात से ही जनता पार्टी बनना शुरू हुई, अज्ञानता पार्टी नहीं जनता पार्टी, उनका मुखिया कौन था? जयप्रकाश नारायण, और उनका विशेष सहयोगी कौन था? कृष्ण मुरारी देसाई था ना, मुरारी देसाई, मुरारी किसको कहते हैं? कृष्ण को। तो रामकृष्ण वाली दोनों आत्माएं ही एक साथ पार्ट बजाती हैं 1976 से, एजिटेशन की शुरुआत होती है गुजरात से और वो एजिटेशन सारे भारत में फैल जाता है, ज्यादा दबाव दिया जाता है दिल्ली के ऊपर, एक वर्ष के अंदर ही सारी दिल्ली की सारी सीटें जीत ली जनता पार्टी ने 1976 में। एडवांस पार्टी ने भी क्या किया? दिल्ली में डेरा डाला, हाँ दिल्ली में झंडा लहरा दिया, एक पूरा का पूरा संन्यास आश्रम हिल गया, हिल गया नहीं टूट गया, इसलिए मुरली ने बोला है पूरा का पूरा एक संन्यास आश्रम उखड़ जावे तो नाम वाला हो जावे। तो मेहरौली का सारा सेंटर टूट गया,
सारे ही जिज्ञासु कन्वर्ट हो गए एड्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी का राज्य डोल गया। यहां भी कोई इंदिरा गांधी है जिनके अंदर में डर भरा हुआ है? एडवांस में बोलते हो उससे बाबा को याद करना कैसे बता रहे थे कोर्स में। एक बार कहते थे कि जब एक घंटा दो घंटे टाइम मिलता है तब किसी से याद करना। बेसिक पे बोलते हैं कोई ड्रेस पहन दो या कभी स्वर्ग में बोलते साकार में निराकार को हमेशा याद करते रहेंगे। एक घंटा अगर टाइम मिल गया ये लोग बैठते हैं तो किस रीति योग करना पूछते बहुत लोग। एक दो घंटे जब बैठेंगे जिससे प्यार हो जाता है जिससे दिल लग जाता है वो घंटे दो घंटे बैठ करके याद करता है उसे क्या? जो ओरिजिनल याद होती है वो घंटे दो घंटे की नहीं होती है। प्रीति जुट गई लगन लग गई दिल किसी से लग गया तो लगातार याद आता है उसको कहते हैं निरंतर याद। और वो निरंतर याद तभी ही होती है महबूब और महबूबा जैसी वो तभी होती है जब महबूब भी साकार में हो और महबूबा भी साकार में हो। तो ये सहज याद का मंत्र है। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को तो साकार समझते हैं और बाप को निराकार समझते हैं तो प्रीति कैसे जुटेगी? बाप का अनजान है मुरलियों में अंत तक साथ रहूंगा साथ रहेंगे साथ खेलेंगे साथ खाएंगे साथ चलेंगे घर और नई दुनिया में अब साथ लेके जा रहे हैं। तो साकार में बोला है या निराकार की बात है? साकार की बात है। तो जिन्होंने साकार को साकार में पहचान लिया उनके लिए सहज हो गया। जिन्होंने 100% पहचान लिया उनके लिए 100% सहज है भूलना मुश्किल है। उनके लिए अभी अगस्त वाणी में बोल दिया बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते साकार साथ के बगैर और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते। कम से कम साकार वाणी तो जरूर चाहिए घड़ी घड़ी चाहिए। बाबा जैसे ही रुद्र माता के मन की है अंत तक अपने ही घर में रहते हैं तो दूसरे घर में कन्वर्ट होते हैं। रुद्रमाला के जो भी मणके हैं 4.5 लाख में से 2.25 लाख वो दूसरे धर्म में जन्म लेंगे जाकर शरीर छोड़ करके दूसरे धर्म में जाके जन्म ले सकते हैं लेकिन जीते जी अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध ने सिद्धार्थ में प्रवेश किया सिद्धार्थ कन्वर्ट हो गया लेकिन उसका बाप राजा शुद्धोधन और बाबा उसका ग्रैंडफादर सिद्धार्थ का बिंबसार वो जिंदगी भर कन्वर्ट नहीं हुआ माना बौद्ध धर्म में गया नहीं। 4-6 जन्मों के बाद जब बुद्ध धर्म की संख्या बहुत बढ़ जाती है उस समय जाकर के जन्म ले लिया। बौद्ध धर्म की राजाई भी स्थापन करनी है क्यों जन्म ले लिया? क्योंकि जिस बच्चे में सिद्धार्थ में महान आत्मा ने प्रवेश करके जो महान कार्य करके दिखाया वो बात उनकी बुद्धि में नहीं थी कि कोई ऊपर से आत्मा आती है उसने ये कार्य किया। सारे पूर्वी धर्म खंड को कन्वर्ट कर दिया
ये बात बिंबसार और सुदूलन की बुद्धि में नहीं थी। उन्होंने क्या समझा? सिद्धार्थ ने किया। हाँ, उन्होंने ये समझा कि सिद्धार्थ ने सारा कर्म किया। मेरा बच्चा मेरे खून से पैदा हुआ, मेरे खून से पैदा हुआ बच्चा कितना श्रेष्ठ निकला, कितना पावरफुल निकला। तो ये प्रभाव बुद्धि में बैठ जाता है, आत्मा उस बच्चे से प्रभावित हो गई। तो वो जो प्रभाव बुद्धि में बैठ गया, उस जन्म में तो वो बीज कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि बीज है वो, लगाव जो है वो दो चार जन्म के बाद प्रभाव देता है। और बौद्ध धर्मखंड में बौद्धियों के यहाँ वो आत्मा जन्म ले लेती है, अपना काम किया फिर उनको वापस आना, वहाँ थोड़ी बैठी होती है। गीता माता थी ना, गीता माता वो बड़ी मम्मा थी या छोटी मम्मा? एक होता है बीज, क्या एक होता है बीज आत्मा, और एक होता है शरीर, जैसे महालक्ष्मी कही जाती है। तो महालक्ष्मी में स्त्री चोला आगे है या पुरुष चोला आगे है? और एक होता है महानारायण, उसमें पुरुष चोला आगे है या स्त्री चोला आगे है? पुरुष चोला। तो ऐसे ही कार्य करने वाली आत्मा है या शरीर है? आत्मा कार्य करने वाली है, आत्मा शरीर के द्वारा कार्य कराती है। तो ऐसे यज्ञ के आदि में आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा थी गीता, जिसे कहेंगे सच्ची गीता, और एक है आदि से ही कृष्ण के प्रभाव से प्रभावित झूठी गीता। कृष्ण के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण जब बाप चला गया तो बाप को फॉलो नहीं किया, किसको फॉलो किया? कृष्ण अर्थात दादा लेखराजी को फॉलो किया। और जो दूसरी माता थी वो तो ब्रह्मा बाबा की बहन ही थी, उसको फॉलो करने और न करने की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा बाबा जब साक्षात्कार की बातें सुन रहे थे पहले, ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार की बातें सुन रहे थे ना, तो जिनको सुनाए थे माताओं को सुनाया होगा, उनमें से पहले किस माता को सुनाए थे? बहन को सुनाया होगा, जिससे जाति नजदीक संबंध होगा उसी को सुनाएंगे। तुम सब सीताएं हो, सीताएं अर्थात तुम सब भक्तियां हो, तो चाहे छोटी माँ हो चाहे बड़ी माँ हो, वो सीताओं और भक्तियों की लिस्ट में है या राम की लिस्ट में? बक्तियों की लिस्ट में। दोनों ने ही सुना और दोनों ने ही सुनाया, एक ने मुख से सुनाया और मुख और कान से सुना, दूसरे ने सुनने सुनाने का प्रैक्टिकल कार्य भले नहीं किया लेकिन उस लिस्ट में तो रही। हाँ बाबा, और दुनिया की आबादी बताई है 700 750 करोड़ मनुष्यों की, अभी कितनी आबादी? 500-600 करोड़, 650 करोड़ हुए हूँ। तो अंत तक ऊपर से उतरने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी,
या घटती रहेगी और ज्यादा आत्माएं उतरती रहेंगी। आज कल के तीन तीन साल के बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, तो जब तीन साल का बच्चा कंप्यूटर चला सकता है वो बाबा भी याद नहीं कर सकता। और है तो फिर भी 30 साल पड़े हुए। और बाबा कहते तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्या अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है? वानप्रस्थ अवस्था माने अनुभवी, जीवन का जंजाल है उस जंजाल के अनुभवी होते हैं उनको कहा जाता है वानप्रस्थी। बच्चे भी अनुभवी है दुनिया के, बल्कि देखा जाए तो आजकल माँ बाप उतने अनुभवी नहीं होते हैं जितने बच्चे अनुभवी होते हैं। क्षेत्रों में अभी तक भी बाबा का संदेश नहीं पहुँचा है, जगहों में इलाकों में संदेश नहीं पहुँचा है। हाँ? जैसे हम जाते हैं कहीं नाला खान पीन का थोड़ा प्रेस करते हैं, हमें पूछते हैं हमें संदेश लेकर कहाँ पर बीके पर से दे आप इधर ले गए, आप बताइए उनको एडवांस कोर्ट में सुनाए या फिर देश वालों को बात करें। सच्चाई सुनाओ, ऐसे नहीं कि बेसिक नॉलेज सुनाए या एडवांस नॉलेज सुनाए। बेसिक नॉलेज में जो झूठी बात है वो मत सुनाओ, बेसिक नॉलेज में जो सच्ची बात है तो सुनाओ। एडवांस माने तो है ही सच्चा, आपका परिचय देना पड़ेगा, मिक्स करके ज्ञान दो। जैसे भगवान आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा नई शक्ति रचते हैं, नई शक्ति जब रचते हैं तो जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान को सुन करके अपने जीवन में धारण करते हैं दूसरों को सुनाते हैं वो मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, और जो मुख से निकली हुई बातों पर ध्यान नहीं देते लेकिन ब्रह्मा के चिकने चुपड़े मोटे ताजे चिट्ठे चेहरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो फिर कुखवंशावली ब्राह्मण बन जाते हैं। कुखवंशावलियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और मुखवंशावलियों की संख्या बहुत थोड़ी होती है। तो दो प्रकार के ब्राह्मण तैयार हो गए, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ढेर के ढेर आसुरी ब्राह्मण ब्राह्मणों की दुनिया में, और एक मुख से निकली हुई बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले मुखवंशावली ब्राह्मण। तो दो पार्टियां हो गई अभी, उनकी समझ आ जाएगी। जब समझदार हो गए कोई नियम थोड़े ही 18 साल का हो जाता है कोई समझदार होता है, 10-12 साल के भी समझदार बच्चे होते हैं। और दूसरी बात तो ये है जो बाबा ने आकर के आश्रम खोले वो तो कन्या माताओं की सुरक्षा के लिए खोले हैं ना। अगर माँ बाप देखते हैं कि हमारी बच्ची 9 साल की है अभी 10-11 साल की भी नहीं हुई लेकिन मोहल्ले का वातावरण बहुत खराब है, जो रिश्तेदार आते हैं उनके भी वाइब्रेशन बड़े गंदे हैं, तो बच्ची भले समझदार नहीं है लेकिन वो अगर उसको सरेंडर कर देते हैं तो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं? तो भी पुण्य है। इसलिए भक्ति मार्ग में नव दुर्गा पूजन जब होता है तो 18 साल की कन्याओं को नहीं उठाते हैं पूजन करने के लिए, 9 साल की 10 साल की कन्याओं को उठाते हैं।
नौ साल की कन्या बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। एक समय बहुत सर्विस करते हैं, आप सर्विस छोड़ के कोई खेत का जिम्मेवारी, कोई गाड़ी चलाते, कोई बैंक का काम करते हो, उनको भी बाप दादा याद करते होंगे। सर्विस के बच्चों को फील्ड में रहते समय बाबा याद करते हैं, हमेशा उनको याद करते हैं। सबसे माने एक है आखिरी सेवा और एक है ईश्वरीय सेवा, तो कौन से सबसे मतलब ये बोला? ईश्वरीय सेवा में जो लगे रहते हैं, भले बैंक में काम करते हैं, लेकिन बैंक में काम करते हैं कैशियर के सामने ढेर सारे कस्टमर्स आते रहते हैं और उन कस्टमर्स को बातों बातों में संदेश देता रहता है, ज्ञान सुनाता रहता है, तो ईश्वरीय सेवा कर रहा है ना, तो वो उस दृष्टि में नहीं आएगा। अच्छी बात है, अपना न्याय अपने आप कर ले तो ज्यादा अच्छा है ना। बढ़िया बात है। बाबा एक माता जी कहते हैं, बाबा मुरली में बोला तुम संग रहो, तुम संग गाओ, तुम संग खेलो, तो खिलाइए खिलाइए बोले तो बाबा ऐसा करो, भक्ति मार के बात मुर्दाबाद करो, खिलाइए खिलाइए मतलब कभी बाबा से पूछ। माताएं तो मुंह में देने लगती है और माताएं ये इच्छा करती है बाबा हमको खिलाए, तो बाबा जहाँ तक मुरली में बोला है तुम संग खाऊ तो साथ साथ खाए भले है, तुम संग खाऊ तो खाने के लिए तो मना नहीं। अब बाबा आए और क्लास पूरा होने के बाद एक एक ने उनको लड्डू पेड़ा मुंह में छिड़कना शुरू कर दिया और संख्या है 1000, 2000 की, 500 की, तो ये भक्ति मार्ग हो जाएगा, ज्ञान मार्ग होगा। जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे, एक ने अगर ऐसा किया तो और जो 200-500 बैठे हुए हैं वो भी ऐसे ही करेंगे तो आगे क्या होगा। तो समझ को कहा जाता है ज्ञान, और बेसमझी से जो काम किया जाता है आधा पीछा सोचे बगैर वो होता है अज्ञान। ज्ञान युक्त कर्म करना है। उस समय तो चलता था, थोड़े थे, अभी तो संख्या बढ़ती जा रही है। बाबा जैसे ने बोला है ना कि सिद्धार्थ में बुद्ध की आत्मा प्रवेश करती है, तो जो सिद्धार्थ की आत्मा है उसका भी कोई पुरुषार्थ होगा कि उसी में बुद्ध प्रवेश करता है? उस समय तो पुरुषार्थ होता ही नहीं, और दूसरी कोई वो तो कब्जा कर लेती है आत्मा आगे, कुछ ना कुछ आत्मा होगा संबंध के। बस यही है कि वो तमो प्रधान आत्मा है, तो ऊपर से जो आत्मा आती है तो तमो प्रधान आत्मा का संग करेंगे, उसको भी लगता है नीचे गिराती उसको, उसको नीचे गिराने के निमित्त बन जाती है। राजा का लड़का था इतना तमो प्रधान को आत्मा नहीं दी, बहुत बड़े राज में जन्म लिया था उसने, तो हाँ तो उससे क्या होता है पिछले जन्म का वो ठीक है, पिछले जन्म का पुरुषार्थ जो है संगम युग का पुरुषार्थ वो त्रेता में वो क्या द्वापर युग में नहीं आता है, संगम युग में जो ईश्वरीय किया हुआ पुरुषार्थ है, ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार किया हुआ पुरुषार्थ है वो सत्युग त्रेता में फल देता है, बाकी द्वापर से जो भी कर्म होते हैं वो नए सिरे से कर्म होते हैं और उनका प्रतिफल अगले जन्मों में मिलता रहता है। माने सिद्धार्थ ने द्वापर युग में ही 500 वर्ष में द्वापर के आदि में कोई अच्छे कर्म किए जिनके आधार पर वो शुद्धोदन ज्ञान जन्म लेते हैं, संगम युग की प्रारब्ध नहीं है वो, उसी समय जो पहले जन्म में कहीं ना कहीं हाँ वहाँ की प्रारब्ध है, इसलिए उसमें बुद्ध ने प्रवेश किया ना। हाँ बुद्ध ने प्रवेश नहीं, इसलिए प्रवेश नहीं किया। कोई भी आत्मा ऊपर से आती है तो तामसी में प्रवेश करती है, सात्विक में प्रवेश नहीं करती, जो उस समय की सबसे तामसी आत्मा होगी उस समय
ऊपर से आने वाली सबसे श्रेष्ठ आत्मा उसमें प्रवेश करेगी। जैसे इब्राहिम है, इब्राहिम ऊपर से जब आया तो किसमें प्रवेश करेगा? उस समय की जो सबसे तम प्रधान आत्मा होगी उसमें प्रवेश करेगा या कोई और में प्रवेश करेगा? जो सबसे तम प्रधान कौन होगी? सबसे तम प्रधान नहीं, जो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त है। बाबा आकर के सिखाते हैं पवित्रता धारण करना है, दृष्टि की पवित्रता, वाचा की पवित्रता, कर्मेंद्रियों की पवित्रता। वो पवित्रता का सिर्फ इतना अर्थ उठाती है संगम युग में कि स्थूल पवित्रता धारण करेगी, लेकिन दृष्टि की अपवित्रता चालू कर देगी। दृष्टि अपवित्र रहती है, अपवित्र दृष्टि इतनी ज्यादा होती है, इतनी विविचारी बनती है कि विविचार का फाउंडेशन पड़ जाता है। मुरली में कहीं नहीं बोला क्या कि जात जाति के पुरुष, जात जाति की कन्याएं बैठ करके एक दूसरे को दृष्टि दें? कहीं मुरली में बोला नहीं बोला? लेकिन ये परंपरा किसी ने तो शुरू की होगी। तो जिसने शुरू की वो इस्लाम धर्म के मुखिया है, उनके द्वारा वो परंपरा शुरू हो गई। परंपरा शुरू हुई यहां संगम युग में, उन्होंने फाउंडेशन डाला, और जब तक संगम युग में ब्रह्मा बाबा के साथ रहा वो ही धर्म कर्म करते रहे। तो सतयुग त्रेता में सबसे पहले आत्माएं कौन सी नीची गिरेंगी? वही करवट होने वाली, वही आत्माएं जो अपने मनमाने काम करती हैं, करवट होने वाली, वही आत्मा सबसे ज्यादा नीचे गिर जाती है। सेकंड नारायण, लेकिन इस्लाम धर्म का आधार मूर्त है, दृष्टि का व्यभिचार फैला देता है, और व्यभिचारी वृत्ति होने के कारण वो संगम युग की वृत्ति उसको नीचे गिराने के निमित्त बन जाती है। इतनी निमित्त बन जाती है, इतनी दृष्टि खराब हो जाती है कि भगवान के साकार पार्ट को कोई हालत में नहीं मानती, लास्ट में माने, अंत तक सबसे सख्त विरोध करती है। ये हो ही नहीं सकता कि दृष्टि से सच्ची नहीं सुधरती। अरे किसकी दृष्टि से सच्ची सुधरती है? भगवान की दृष्टि से सच्ची सुधरती है। मनुष्यों की दृष्टि से सच्ची 63 जन्म भी नीचे गिरती आई, और अभी भी नीचे गिरने की सूचना हो रही ब्राह्मणों की दुनिया में। तो वो आत्मा द्वापर युग शुरू होता है और सबसे ज्यादा तमो प्रधान बन जाती है। आखिर सतयुग में त्रेता में दो बच्चों से दो बच्चे ही जिंदगी में पैदा होते रहेंगे, या कोई कोई को चार चार बच्चे भी पैदा होंगे? अगर दो से ही दो पैदा हो रहे होते रहे तो नौ लाख की नौ लाख ही आबादी बनती रहेगी। तो ये आबादी बढ़ाता कौन है? नहीं, व्यभिचार नहीं है वहां, व्यभिचार नहीं होता, लेकिन वो आत्माएं जो है इस्लाम धर्म की, वो जो इशू है वो दो दो बार तीन तीन बार इशू करती है। एक ही जन्म में एक बार बच्चे पैदा किए, फिर दूसरी बार पैदा किए, हो सकता है कोई कोई तीन तीन बार भी पैदा करते हो। तो द्वापर युग जब शुरू होता है तो इस्लाम धर्म की वो मुखिया आत्मा जो है वो पहले नीचे गिरती है, और इब्राहिम आकर के उसमें प्रवेश कर देगा। ऐसे ही और धर्मों का हिसाब, और धर्म की जो भी शेष आत्माएं ऊपर से उतरती है, उस समय का जो भी भारत का मुखिया होगा उस धर्म में कन्वर्ट होने वाला, जो सबसे नीचे गिरा होगा उसमें प्रवेश करेगी। और राजा बनना ये थोड़ी साबित करता है कि द्वापर कलयुग में जो राजाएं बनते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, ये पक्का है? कोई जरूर नहीं। भ्रष्ट से भ्रष्ट राजाएं हुए और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजाएं हुए।
बाबा तो ऐसी जगह पर रहने वाली आत्मा है वो कालजुग में बताली जन्म लेती है उनकी मृत्यु से प्राप्त होती है। चौरासी जन्म लेने वाली आत्मा कलयुग में उम्र कितना हो गया एक जन्म 42 जो जन्म लेने वाली आत्मा है उसके उम्र तो युग के अनुसार बदलती रहती है ना। एवरेज एज जो है वो युग के अनुसार बदलती रहती है। सत्युग आज में जो उम्र होगी वो सत्युग जब वो जन्म लेना शुरू करेगी 82 जन्म में से पहला जन्म तो उसकी कम ही उम्र होगी ना पहली जनरेशन वालों से। मतलब 150 साल एवरेज एज है। ऐसे एवरेज एज का मतलब ये नहीं है कि सत्युग के अंतिम जन्म में भी 150 एज रहती है। सत्युग के अंतिम जन्म में 125 हो जाती है बस। बयालीस जन्म होते हैं द्वापर कलयुग में। नहीं कलयुग के अंदर हाँ कलयुग के अंत में जो 42 जन्म होते हैं 42 जन्म मिलती है हाँ। तो जो उम्र तो 12.5 साल में 42 जन्म हाँ। और फिर वो उनके जन्म कैसे होते हैं वो तो बचपन में ही मर जाते हैं। एवरेज एज बताई ना कोई तो पूरी उम्र लेते हैं तो एक ही आत्मा एक जन्म में पूरी उम्र लेती है। 42 जो जन्म है हाँ। उसमें जल्दी जल्दी बच रहती हो तो सदा भी कर देती होगी और क्या जो गर्म जेल के अंदर सुराख करती नहीं होगी जरूर करती होगी। गर्म जेल में दुख नहीं भोगते हैं दुख तो भोगते हैं जो उन्होंने कोई गर्म कर रखे हैं तो 42 जन्म में कुछ करते नहीं होंगे। कुछ करते हैं लेकिन जो मूल है जो नहीं बचते हैं वो आखिरी जन्म तक आते हैं। उनके यहाँ भी यहाँ पठानकोट में कोई है भाई अरे ये आप कहते हैं या बाबा ने भी बोला है? नहीं, मैं बाबा ने बोला एक बार भट्टी करके आए और उसके बाद भारत देश में चला जाए वापस लौट के भी ना आए। ईश्वरीय सेवा करता रहे बाप को याद करता रहे तो ऊंच पद पा सकता है। क्या ये कोई जरूरी नहीं है फिर भी ये बोला है कि जो पतित से पावन बनते हैं वो राम सीता कह करके बुलाते हैं और जो पतित से पावन बनते नहीं वो पतित पावन राम सीता को बुलाते हैं। तो विदेश में जाकर के भी तो बुलाया जा सकता है। और बुलाने से तो बाबा आते नहीं। आते हैं क्या बुलाने से? बाबा आते नहीं ब्रह्मा बाबा आ जाते होंगे। हाँ जितना बुद्धियों की चाबी तीखी घुमा देंगे तो बाबा आ जाएंगे।